गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ की एक्सरसाइज 6.2 जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो उसका मैं पहले वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, और बेसिक पढ़ने के लिए आप फिर से पढ़ना चाहें तो उसका वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 3x+17, तो हमें देखना है fx = क्या है 3x+17। तो जब भी हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना होगा। एफ डैश एक्स क्या है, 3x का 3 और 17 का 0। एफ डैश एक्स हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन फंक्शन है, ये क्या है हमारा, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। किसके लिए इंक्रीजिंग है, जो फंक्शन का डोमेन है उस कंप्लीट डोमेन में इंक्रीजिंग, और फंक्शन का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो हमारा सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या है, fx = e^2x। e^2x का डेरिवेटिव क्या क्या है, f(x) = 2.e^2x। और e^2 पॉजिटिव नंबर पे चाहे कोई भी पावर हो, ये क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और e हमारा क्या है, 2 point something, e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 2.7, तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन भी हमारा क्या है, x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा उस पे चलते हैं। जो क्वेश्चन 3 है इसमें क्या है, fx = sin x। डिफ्रेंसिएशन क्या क्या आया, f(x) = sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या आया, cos x। और cos x कहां पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एंड सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो जब x की वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी तो हमारा f(x) क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। मीन्स हमारा fx है वो कैसा फंक्शन आएगा, इंक्रीजिंग। मीन्स x बिलोंग्स टू 0 to π/2, या हम फोर्थ को भी इन्वॉल्व करें तो x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 में ये आएगा इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग कहां से कहां आएगा, π/2 to 3π/2। बट आपके क्वेश्चन में केवल कौन सा इंटरवेल है, सेकंड इंटरवेल π/2 to π, तो इसमें भी ये डिक्रीजिंग है और इसमें भी ये डिक्रीजिंग है। इसमें जो c है वो क्या है, 0 to π में fx ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। देखो 0 से π, जैसी x की वैल्यू क्या होगी, 0 से π, मीन्स पहला क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें हमारा f(x) क्या हो रहा है, पहले पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव, मतलब साइन बदल रहा है, और जहां पे साइन बदलते हैं वहां पे फंक्शन क्या नहीं होते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होते हैं, ना तो इंक्रीजिंग होते हैं ना डिक्रीजिंग होते हैं, मतलब वो बार बार इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होते रहते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में fx क्या है हमारा, 2x² - 3x। सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, f(x) क्या आया, 4x - 3। ठीक है, 4x - 3, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, f(x) > 0। मीन्स 4x - 3 > 0, 4x क्या है हमारा, > 3, x क्या है, > 3/4। मीन्स x बिलोंग्स टू 3/4 टू इंफिनिटी, हमारा फंक्शन क्या आएगा, इंक्रीजिंग। इंफिनिटी पे हमेशा कैसा इंटरवेल आता है, ओपन इंटरवेल आता है, और फॉर डिक्रीजिंग तो f(x) कैसा आएगा हमारा, > 0। तो इसको > 0 करेंगे, 4x - 3 > 0 करके सोल्व किया तो x क्या आएगा, > 3/4। मीन्स हमारा x का इंटरवेल क्या है, -∞ to 3/4 में, ये फंक्शन हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। अभी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी का, आपका 6.2 का, fx = 2x³ - 3x² - 36x + 7। तो हमारा f(x) है वो क्या आएगा,
जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो तो हमें फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में ही सोचना है हमेशा। तो क्या आया, 6x² - 6x - 6x - 36 ये आया। अब अगर हम एफ डैश एक्स, हमें ये आ गया जहां पे हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स जहां पर पॉजिटिव होगा वहां पे हमारा एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आ रही है जो मैं बात समझ में बता रहा हूं, जहां पे हमारा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो मीन्स जहां पर एफ डैश एक्स नेगेटिव वैल्यू देगा वहां पर हमारा एफ एक्स क्या होगा, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ में? तो अभी हमें क्या काम है हमारा, हमें एफ डैश एक्स के साइन पता करने की, कब ये पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो मैं चेक कर लेता हूं, इसमें से 6 कॉमन लिया, क्या बन गया, x² - x - 6। अगर मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 6 को अगर इधर भेज दिया तो अनइक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 6 क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो यहां पे क्या हो गया, ये x² - x - 6 > 0। और ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे पता करते हैं कि वो कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव, सबसे पहले हम उसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, b² - 4ac, b² की वैल्यू 1 +24 जो कि ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसके रूट फाइंड आउट करने रहते हैं, तो इसके रूट क्या आएंगे, एक्स इक्वल टू क्या आया, -b (±√d/2a). सबको फॉर्मूला जाना है, ये a की वैल्यू यहां पे 1 है, तो 1 ± 5/2, तो इसकी वैल्यू आई -2.3। अब कैसे पता चलता है कि कब ये पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, एक लाइन पर जो जीरोज है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, -2 छोटा है और 3 बड़ा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, x² का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इस टाइप से बनता है। आई बात समझ में? यहां पर पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहां नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, जहां पर पॉजिटिव देगा वहां पे हमारा एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। तो एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवेल में, एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -2 (union 3 to ∞), और एफ एक्स हमारा क्या होगा, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, एक्स बिलोंग्स टू -2 to 3। अब रही बात की सर आप बोलोगे कि आप तो -2 पे इंक्रीजिंग भी बता रहे हो और डिक्रीजिंग भी बता रहे हो, तो जो -2 जो पॉइंट है ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, जिस पॉइंट पे फंक्शन अपनी नेचर बदलता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बता नहीं सकते कि कैसा है, इससे जस्ट पहले क्या है इंक्रीजिंग है, उसके जस्ट बाद डिक्रीजिंग है, तो इस -2 को हम दोनों में ही कंसीडर कर सकते हैं। आई बात समझ में? अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, उसका ई पार्ट है, उसके ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट आसान है। आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे, ग्रेटर देन लेस देन करोगे तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिल जाएगा, इसमें आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। ये है, ये मेरा क्या है, एफ एक्स। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहला काम क्या है, हम एफ डैश एक्स करेंगे, और इसमें एफ डैश एक्स किस मेथड से करेंगे, यू इंटू वी मेथड से। यू का डेरिवेटिव 3x - 1 ² (v, x - 3 ) प्लस यू एज इट इज और वी का डेरिवेटिव 3x - 3 ² फिर क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 भी कॉमन आ रहा है, x - 1 ² कॉमन आ रहा है और x - 3 ² कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन ले लें, 3x - 1 ² x - 3 ² यहां क्या रहेगा, केवल x - 3 प्लस यहां क्या रहेगा, x - 1। तो यहां क्या आ गया, 3x - 1 ² x - 3 ² और 2x - 4। अगेन क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 3.2 x - 1 ² x - 3 ² (x - 2) क्या आ गया, 6x - 1 ² x - 3 ²
इंटू एक्स माइनस टू। अब रही बात कि सर हमने एफ डैश एक्स तो निकाल लिया, लेकिन हम कैसे पता करें कि हमारा एफ डैश एक्स है वो कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव। अगर कोई मेरे को ये बता दे कि एफ डैश एक्स किस इंटरवेल में पॉजिटिव है तो मैं बता दूंगा वहां मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, और जिस इंटरवेल में नेगेटिव है वहां पे मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब की बार तो ये पॉलिनोमियल और उसकी कितनी डिग्री है, 5 डिग्री है। तो इसको कैसे सोल्व करना होगा, इसको वेवी करो मेथड से सोल्व करना होगा। वेवी करो मेथड के लिए आप इधर ध्यान से सुने, उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन रहते हैं, स्टार्टिंग में सबके एक्स होना चाहिए और इसके जीरोज क्या है, इसके जीरोज क्या है 1, 3, 2। जीरोज क्या है 1, 3 एंड 2। तो सारे जीरोज को जो ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3। ग्राफ राइट हैंड साइड जिस हाथ से आप लिख रहे हैं, ठीक, अगर कोई लेफ्ट ही है तो भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। अब ग्राफ ऊपर से स्टार्ट करें या नीचे से स्टार्ट करें उसके क्या रूल है, बाहर देखें पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव, तो ये 6 है ये क्या है पॉजिटिव, तो ग्राफ लाइन के ऊपर से स्टार्ट कि चलो सर हमने कर दिया ग्राफ स्टार्ट। लास्ट एंड फाइनल रूल क्या रूल है, अगर यहां पे इस जीरो पे कितनी पावर है, इवन पावर है, इवन पावर है, इस लाइन को ग्राफ क्रॉस नहीं करेगा, इसको टच करके वापस चला जाएगा 2 पे आ गया। 2 पे कैसी पावर है, 1 पावर है, देखो 1 है, क्या है ऑड या इवन, ऑड है तो लाइन को क्रॉस करेगा। अगेन 1 के पास आया, 1 पे कैसी पावर है, इवन पावर है, लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। इधर बहुत आगे आएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी, इधर बहुत आगे जाएंगे तो आई बात समझ में, यहां पे भी माइनस यहां भी माइनस यहां प्लस यहां प्लस। अब मेरे को पता चल गया कि एफ डैश एक्स कहां पॉजिटिव है, कहां पॉजिटिव है, एक्स बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी, देखो 2 से लेके लगातार इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है, केवल 3 पे जाके एक बार 0 होता है, तो 0 होने दो कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स हमारा एफ एक्स इस इंटरवेल में कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 में हमारा एफ एक्स है वो कैसा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ में, इसके लिए वेवी करो आपको अच्छे से आना जरूरी है, जो स्टेप मैंने बताई वो आप नोट कर लें और बाद में उसको समझें। क्या स्टेप बताई थी, सबसे पहले जीरोज को लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड से ग्राफ स्टार्ट करें, लाइन के नीचे से करें या ऊपर से करें कौन डिसाइड करेगा, बाहर जो लिखा हुआ नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इवन पावर होने पे ग्राफ इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ऑड पावर होने पे ग्राफ लाइन को क्रॉस करेगा, लाइन के नीचे नेगेटिव है लाइन के ऊपर पॉजिटिव है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या है, सो दैट वाई इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है, x ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए ये इंक्रीजिंग होगा, ये हमें प्रूव करना है। x ग्रेटर देन माइनस 1 क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज इस फंक्शन का जो डोमेन है वो x ग्रेटर देन माइनस 1। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात आई तो हम क्या करेंगे, डीवाई बाय डीएक्स, लॉग 1 प्लस एक्स का क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का कैसे करेंगे हम, यूवी मेथड से, तो 2 प्लस एक्स एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x एज इट इज और 2 प्लस एक्स का 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल सॉल्व किया क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डॉट 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल, 2x से 2x कैंसिल आउट, ये सॉरी डॉट नहीं है या माइनस, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने पे कैल्शियम क्या आया, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स हमारा एलसीएम आया, तो यहां पे आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, सोल्व किया 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4x से 4x, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, हमारा एफ डैश एक्स आया, मींस डीवाई बाई डीएक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन
वन प्लस एक्स इंटू टू प्लस एक्स का होल। अब दोबारा हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो कब इंक्रीजिंग है, कब पॉजिटिव है ये और कब है नेगेटिव। दोबारा ये भी करो मेथड, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स इंटू टू प्लस एक्स। तो वन प्लस एक्स को मैं लिख लेता हूं एक्स प्लस वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और टू प्लस एक्स को एक्स प्लस टू का होल। इसके जीरोज क्या है, जीरो माइनस वन माइनस टू, नोमिनेटर का जीरो डिनोमिनेटर का माइनस वन एंड माइनस टू। अब हम क्या करेंगे, जीरोज को लाइन पे लिख लेते हैं, माइनस टू माइनस वन एंड जीरो लिख लिया। देखो एक्स सबके स्टार्टिंग में, जो डिनोमिनेटर वाले जीरो है यहां पे जीरो नहीं होगा, जो डिनोमिनेटर में मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बन सकता ना, तो चलो इनके आसपास में हम पता कर लेते हैं। बाहर कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है, ये देखें बाहर पॉजिटिव साइन, प्लस वन है ना, ग्राफ यहां से स्टार्ट, और जीरो पे भी टू पावर है, इवन पावर है, और माइनस टू पे भी इवन पावर है, तो मतलब यहां पे ग्राफ है वो लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। और एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस वन तो हो ही नहीं सकता इक्वल में, ग्रेटर देन माइनस वन में किस क्या है ये पॉजिटिव, और माइनस वन से छोटे में क्या है नेगेटिव, तो माइनस वन से पहले हमें जाना ही नहीं है, तो इसका डोमेन क्या है एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, तो इसके लिए हमारा एफ एक्स क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ में, अगर फिर भी किसी को बात नहीं समझ में आई तो इससे सिंपल तरीके में मैं बताता हूं कि अगर आपको इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दें, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दें जीरो। अब एक्स स्क्वायर और टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या है पॉजिटिव है, इसको जीरो के उस साइड भेज दें, वन अपॉन वन प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन माइनस वन होगा, ठीक है, इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती, इसलिए इक्वल टू का साइन हट जाएगा। एक्स ग्रेटर देन माइनस वन के लिए हमारा फंक्शन है वो क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। जो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन, ये क्या है, वाई इक्वल टू फोर साइन थीटा अपॉन टू प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग इन इंटरवेल थीटा डाउन टू जीरो टू पाई बाई टू। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इंक्रीजिंग के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, किस मेथड से, यूवी मेथड से, वी आपका एज इट इज, यू का फोर साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया फोर कॉस थीटा, फोर कॉस थीटा माइनस का साइन, फिर आपका फोर साइन थीटा एज इट इज, v का टू का जीरो और cos का हो गया माइनस का साइन थीटा अपॉन टू प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और थीटा का हो गया आपका माइनस वन। इसको सॉल्व किया क्या आया, आठ cos थीटा प्लस चार cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया प्लस का चार साइन अपॉन टू प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन। ये क्या हो गया, अगर चार कॉमन ले लूंगा मैं यहां से तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, तो आठ कॉस थीटा प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या हो गया वन हो गया, अपॉन में क्या है टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस वन। आई बात समझ में, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया हमारा आठ कॉस थीटा प्लस का फोर अपॉन टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन। नॉमिनेटर से अगर चार कॉमन लेते हैं तो ये क्या बनता है चार ब्रैकेट, ठीक है, इसको चार कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है टू प्लस टू कॉस थीटा प्लस वन अपॉन टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन। अभी हम क्या ले लेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या है इसका एज इट इज रख लेते हैं, आठ कॉस थीटा प्लस का फोर और माइनस टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम आया हमारा टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व किया गया आठ कॉस थीटा प्लस चार
यहाँ पे हो गया माइनस का चार, माइनस का चार कॉस थीटा और माइनस का ही आपका कॉस स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉस थीटा का. देखे यहाँ पे इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, बाहर माइनस है तो सारे माइनस हो जाएंगे. चार से चार कैंसिल आउट, चार से चार कैंसिल आउट. इसको अभी रफ करना पड़ेगा, एक बार इसको रफ कर लेते हैं. आठ कॉस थीटा माइनस चार कॉस थीटा, चार कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, कॉस थीटा कॉमन लिया, ऊपर में है चार माइनस कॉस थीटा अपॉन टू प्लस कॉस थीटा का. ये हमारा आ गया dy by d थीटा. क्या आया dy by d थीटा, हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है. क्या आया हमारा dy by d थीटा, इधर ध्यान से देखें, cos थीटा इंटू फोर माइनस cos थीटा अपॉन टू प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. इंक्रीजिंग के लिए हम dy by d थीटा को क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो. अब cos थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. आई बात समझ में. अब देखें, चार में से कुछ भी माइनस करने चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक से एक. तो चार में से अगर एक माइनस करेंगे तो भी वैल्यू तीन पॉजिटिव रहेगी और इस पे इवन पावर है. तो ये तो क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव है. अगर ये पॉजिटिव है तो इसको मैं इधर भेज सकता हूं, इक्विटी का साइन नहीं बदलेगा. अगर इसको इधर भेज देंगे हम तो हमारा क्या बचेगा, केवल cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. और cos थीटा कब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू होगी तो हमारा जो y है वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग. और जब थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू होगा तो हमारा y है वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग. जबकि क्वेश्चन में तो हमें जीरो से पाई बाय टू के लिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रूफ करने के लिए बोला. तो हमने पूरा डिटेल में सॉल्व करें, आपका जनरल आंसर आएगा. अभी देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें क्या है, लॉग एक्स को प्रूफ करना है और जीरो से इन्फिनिटी में. इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, ऐसे भी हो सकता है कि लॉग एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, मीन्स वो अपने डोमेन में हमेशा इंक्रीजिंग हो. लॉग एक्स का डोमेन क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो. अगर log x का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, f डैश x क्या आएगा, 1 बाई एक्स. और 1 बाई एक्स कब ग्रेटर देन होगा, जब x की वैल्यू आप पॉजिटिव पुट करोगे, x की वैल्यू पॉजिटिव मीन्स x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी. हो गया, सिंपल सी बात है. जो नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको चार क्वेश्चन, ये कब इंक्रीजिंग होंगे कब डिक्रीजिंग होंगे. कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स. साइन एक्स क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देगा कब, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. और थर्ड एंड फोर्थ में क्या देता है, नेगेटिव. तो माइनस इनटू प्लस माइनस, तो माइनस साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा अगर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू, और माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, तब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये फंक्शन कैसा आएगा, डिक्रीजिंग. और माइनस साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू पाई टू टू पाई, तो फंक्शन कैसा आएगा, इंक्रीजिंग. आई बात समझे, पाई से टू पाई में बाहर माइनस है और साइन एक्स भी कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा. इसी तरीके से जो सेकेंड क्वेश्चन है, कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस टू साइन. अगेन वही सेम बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा. तो माइनस टू साइन टू एक्स पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव होगा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में. तो हमारा ये एफ एक्स है वो क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा. मतलब जब टू एक्स की वैल्यू, अब की बार क्या है, टू एक्स की वैल्यू अगर टू पाई से पाई के बीच में है तो माइनस टू साइन एक्स पॉजिटिव वैल्यू देगा. तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां है, पाई से पाई बाय टू टू पाई के बीच में, ये ध्यान रखना. टू एक्स की वैल्यू, यहां थीटा टू एक्स है,
तो जब x की वैल्यू क्या होगी आपकी पाई बाय टू से पाई होगी तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और x की वैल्यू जीरो से पाई बाय टू में ये फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि 2x की वैल्यू जीरो से पाई, तो x की वैल्यू जीरो से पाई बाय टू। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसी तरीके से, थर्ड क्वेश्चन है cos 3x क्या है माइनस 3 साइन 3x। अगर 3x की वैल्यू जीरो से पाई पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, तो साइन 3x नेगेटिव, सॉरी पहले और दूसरे में साइन x क्या देगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो ओवरऑल क्या बन गया नेगेटिव, तो फंक्शन कैसा आएगा डिक्रीजिंग। तो x की वैल्यू कहां से कहां पाई बाई थ्री, तो अगर x बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई थ्री है तो हमारा फंक्शन क्या आएगा डिक्रीजिंग आएगा। आ रही है बात समझ में। और इसी में अगर साइन 3x माइनस 3 और आपका साइन 3x अगर ये भी नेगेटिव वैल्यू दे दे तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, और ये नेगेटिव कब देगा जब 3x कहां से कहां हो टू पाई, पाई से टू पाई के बीच में, देखो इधर से लिख रहा हूं इसलिए मैंने टू पाई बोल दिया, पाई से टू पाई के बीच में, तो x की वैल्यू कहां से कहां हो पाई बाई थ्री से टू पाई बाई थ्री, तो जब x बिलोंग्स टू क्या होगा पाई बाई थ्री टू टू पाई बाई थ्री, तो हमारा कैसा हो cos 3x है ये क्या आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन है। लास्ट का आपका 10x, 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x, तो ये हमेशा अपने डोमेन में x बिलोंग्स टू रियल माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 10x का डोमेन यही तो होता है, इस डोमेन में ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x जो हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन f गिवन बाय x स्क्वायर, fx है वो हमारा क्या है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू 1 टू 2। हम डेरिवेटिव किया क्या है हमारा प्लस एक्स क्या आएगा हमारा 2x प्लस ए, और इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बाय टू, और x किस इंटरवेल में इंक्रीजिंग होना चाहिए 1 टू 2 में, तो मीन्स जो a बाय टू है माइनस ए बाय टू इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए माइनस a की वैल्यू लिस्ट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए माइनस टू। अगर मान लो a की इससे भी कोई छोटी वैल्यू लेके ट्राई करते हैं जैसे माइनस फोर, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा 4 बाय 2, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या आएगा इंक्रीजिंग आएगा, जबकि 2 से छोटे के लिए हमें इंक्रीजिंग चाहिए 1 टू 2 के लिए। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 x प्लस 1 बाय x, तो ये किस इंटरवेल में इंक्रीजिंग आएगा fx एफ डैश एक्स अगर हम निकालेंगे तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 1 बाई एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। कैसे पता करेंगे ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, वे भी कराओ मैथ। इसके जीरोज क्या है 1 माइनस 1 और 0, माइनस 1 0। आ रही बात समझ में, देखो जीरो पे जीरो नहीं होगा डिनोमिनेटर में ना जीरो, तो इसको कैंसिल आउट कर दे, सब पे पावर क्या है इस पे पावर ऑड, इस पे ऑड और इस पर इवन, और बाहर क्या है प्लस 1, बाहर पॉजिटिव साइन है ना, तो ग्राफ इस साइड से स्टार्ट करेगा 1 को क्रॉस करेगा 0 को क्रॉस नहीं करेगा। तो हमारा एफ एक्स है ये एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 में कैसे वैल्यू दे रहा है नेगेटिव वैल्यू दे रहा है एफ डैश एक्स, तो हमारा एफ एक्स आएगा इस इंटरवेल में कैसा आएगा डिक्रीजिंग आएगा, और एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 और एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी में कैसा आएगा एफ एक्स इंक्रीजिंग आएगा, बिकॉज इसमें भी हमारा पॉजिटिव है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया log sin x का डेरिवेटिव क्या आया 1 अपॉन sin x डॉट cos x, तो क्या आया
cot x, ये हमारा क्या आया f डैश x आया, आई बात समझ में। और f डैश x जहां पॉजिटिव होगा, cot x कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहां पे हमारा एफ एक्स है वो क्या आएगा, जो log cos x है वो, सॉरी जो log sin x है वो क्या आएगा, इंक्रीजिंग, और सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, ये डिक्रीजिंग। तो ये x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 में कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, log cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 1 अपॉन cos x डॉट माइनस sin x, आई बात समझ में। तो इसका डिफरेंशिएशन आया माइनस का 10x, बाहर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो अगर x की वैल्यू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, तो 10x कैसी वैल्यू देगा, 10x पॉजिटिव देगा, जबकि माइनस 10x कैसी देगा, नेगेटिव देगा। तो इधर इसमें x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 है, तो ये फंक्शन है fx, ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और x की वैल्यू अगर सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी तो 10x देगा हमारा नेगेटिव वैल्यू, और माइनस 10x कैसी देगा, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में क्या है, अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स निकाला, क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का वही तरीका, सबसे पहले डी चेक किया, इसका डी क्या आया 36 माइनस 36, यही आ रहा है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, एक्स 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये क्या बन गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एफ एक्स है वो हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मींस गिवन फंक्शन के कंप्लीट डोमेन में हमारा फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन, समझ में तो आ रहा है ना, अगर किसी को लग रहा है कि जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो वीडियो पॉज करके देखे या फिर से देखे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने किया डीवाई बाय u into v method से, तो 2x dot e raised to the power minus x plus x square as it is e raised to the power minus x का e raised to the power, क्या common आ रहा है, x dot e raised to the power minus x, यहां रहेगा 2 यहां रहेगा minus x, आई बात समझ में। अगर dy by dx for increasing के लिए dy by dx को क्या करूंगा मैं, greater than equals to 0, तो इसको इक्वल टू 0 के पुट किया तो x डॉट e रेस टू द पावर माइनस x इंटू 2 माइनस x, e रेस टू द पावर माइनस x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको इधर भेज दिया, साइन नहीं बदला। अब वे भी करो मेथड से सॉल्व करेंगे तो शर्त क्या है, पहले x होना चाहिए, तो माइनस कॉमन लेना होगा, x इंटू x माइनस 2, ग्राफ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 और 2, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, बाहर माइनस है तो नीचे से स्टार्ट होगा, यहां पे पॉजिटिव यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव, तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, जब x बिलोंग्स टू 0 टू 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, ये देखो 2 से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से 0, आई बात समझ में। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी में कैलकुलेशन वगैरह करें और फिर देखें और समझें।